जब भी कभी स्नैपचैट यूजर्स और इंस्टाग्राम यूजर्स के बीच में डिबेट होती है, बहस होती है, तो सिर्फ एक ही बात को लेकर होती है कि जो स्नैपचैट यूजर्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे इंस्टाग्राम में इतने ज़्यादा फिल्टर्स नहीं हैं जितने हमारे स्नैपचैट यूज़र में हैं। और अगर हम लोग बात करें इंस्टाग्राम यूज़र अगर कुछ बोलता है तो हमेशा ये बोलता है कि यार हमारे इंस्टाग्राम में इतने सारे फीचर्स हैं जितने तुम्हारे स्नैपचैट यूज़र में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत ही सारे फिल्टर्स हैं, लेकिन हम क्या होता है कि ज्यादातर स्नैपचैट वगैरह में फिल्टर्स को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फिल्टर्स को यूज नहीं करते, तो हमें नहीं पता होता यार ये फिल्टर्स होते कहां हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे इंस्टाग्राम की साइड ले रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ है वो फिल्टर्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड इंस्टाग्राम ऑल फिल्टर्स इन हिंदी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हम लोगों को स्नैपचैट जैसे ही बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे भी मिले, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार देखो स्नैपचैट जैसे फिल्टर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मिलने वाले हैं इंस्टाग्राम के अंदर ही। अगर आप लोग इंस्टाग्राम लवर है, आप नहीं चाहते यार कि मैं स्नैपचैट वगैरह यूज़ करूँ, मेरे को इंस्टाग्राम में काफी फिल्टर्स मिल जाएं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक नहीं बेसिकली वो एक ऑप्शन ही है, आप लोग जिसके जरिए इंस्टाग्राम के अनलिमिटेड फिल्टर्स को ढूंढ सकते हैं और उनको सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम में बहुत सारे फिल्टर्स चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। सो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम में फिल्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम में चलते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम में आ गए, अब यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग अगर फिल्टर्स को देखेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत लिमिटेड फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये वाले कुछ लिमिटेड फिल्टर्स हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे ये देखिए आपको लिमिटेड फिल्टर्स लग रहे होंगे जिनको आपने फॉलो करा है उनके फिल्टर्स आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इतने फिल्टर्स दिख रहे हैं लेकिन आपको चलिए बताता हूँ कैसे आप और फिल्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे लास्ट में आना पड़ेगा, यहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको ढेरों फिल्टर्स दिख रहे हैं लेकिन आपको किस तरीके से इनको यूज़ करना चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे ये वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, फॉलोइंग, इंस्टाग्राम, सेल्फी। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर्स को चूज़ कर सकते हैं, आपको किस से रिलेटेड यहाँ पे फिल्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको सेल्फी से रिलेटेड फिल्टर चाहिए इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेरों फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपको सेल्फी के अकॉर्डिंग कौन सा आपको अच्छा फिल्टर लग रहा है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से ये वाले फिल्टर्स को चूज कर लेते हैं। अब इस फिल्टर को अगर हमको सेव करना है हमारे कैमरा रोल में, मतलब उधर साइड जहाँ पे हम लोग बार बार इसको यूज कर सके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आपके ये होम पे आ चुका है, मतलब आप इसको बाद में भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करेंट में अगर आप लोग फिर से इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अनसेव कर सकते हैं अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, और ट्राई करना तो ट्राई पे क्लिक कर सकते हैं। अब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर आपके इसमें आ जाएगा, अब ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप इसको सेल्फी वेल्फी लेके ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं आपको बैक पे क्लिक करना है, और अगर आप इसको बार बार यूज़ करने के लिए आपको होम पेज में इसको सेव करना है, मतलब उधर साइड जहाँ कैमरा साइड में, इसको सेव पे क्लिक कर देना। अब ये सेव हो चुका है, अब इसको बाद में आप जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी कैटेगरीज के भी यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरी कैटेगरीज के यहाँ पे फिल्टर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज और भी दिख रही हम लोगों को, जैसे यहाँ पे लव, कूल एंड लाइट, इस पर क्लिक करते हैं कूल एंड लाइट पे, इसके फिल्टर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे फिल्टर्स लोडिंग हो चुके हैं, अब यहाँ पे आपको ढेरों फिल्टर्स मिल जाएंगे, और भी मैं आपको फिल्टर्स बता देता हूँ। यहाँ पे फिल्टर्स की कमी नहीं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपको ढेरों फिल्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग और भी कैटेगरीज को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मूड्स, और यहाँ पे और भी जैसे कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पे जैसे और भी देख लें सराउंडिंग और एनिमल्स, एनिमल्स लवर्स के लिए भी यहाँ पे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और भी फिल्टर्स हमें मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे फिल्टर्स लोडिंग हो चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फिल्टर्स हैं जो भी और नॉर्मल माना मैंने स्नैपचैट जैसे फिल्टर्स यहाँ नहीं है, बट आपको इंस्टाग्राम में भी ऐसे फिल्टर्स मिल रहे हैं जो कि काफ़ी हैं। यहाँ पे ट्राई पे क्लिक करना है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, फिल्टर आपको सही लग रहा हो तो आप सेव कर सकते हैं। तो यार जैसा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ढेरों फिल्टर्स मिल जाते हैं इंस्टाग्राम में, बहुत सारे जितने फिल्टर्स आपको चाहिए।
तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम के सारे फिल्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारे फिल्टर्स है भाई, बहुत सारे यूज करने के लिए। तो अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो लोग स्नैपचैट वर्सेस इंस्टाग्राम की डिबेट करते हैं, तो उनके साथ शेयर करना कि भाई इंस्टाग्राम में पीछे नहीं है, अच्छा है इंस्टाग्राम भी, तो उनके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग फ्यूचर में भी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो। सो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।